मनरेगा योजना में कराए जाने वाले कार्य जो ऑनलाइन थे वो अब ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम पंचायत सहायक पर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को करने में काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको MR प्रिंट करना, वर्क एलोकेशन करना और डिमांड लगाने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ID लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको तीसरे नंबर पर वर्क डिमांड, डिमांड फॉर वर्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में ग्राम पंचायत का ऑप्शन सिलेक्ट करने को आएगा। आपको अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जॉब कार्ड शो होंगे, जिस भी जॉब कार्ड पर आप डिमांड लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे डेट डालने को, जिस भी डेट में आप डिमांड लगाना चाहते हो उस डेट को सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है, और कितने दिन की लगाना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखो भर लिए हैं, यहाँ पे डेट टू डेट भर लिया है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रोसीड का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर आपको वेट करना होगा और सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद फिर से यहाँ पे आप थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे, तो वर्क एलोकेशन 5 नंबर पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आपने जो डिमांड लगाई है उसको एक ID पर एलोकेट कर सकते हो। वर्क एलोकेशन एंट्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। उसके बाद सबसे ऊपर आपको किसके अंतर्गत ये कार्य कराया गया है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आवास की डिमांड लगाई तो वो SC ST के अंतर्गत आती है, तो इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मैंने उस ID को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट है कि आपको पहले एक टैप कर देना है, एंटर करना है, उस 1 को आपको फिर से हटा देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 1 को हटाएँगे उसके बाद यहाँ से फिर एंटर करेंगे और उसके बाद आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो अपनी ID को। उसके बाद यहाँ पे एलोकेशन आल का एक नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है, जिसकी ID और उसको मैच कर लेना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर एलोकेशन हैज़ बीन डन का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है। उसके बाद बैक चले जाना है। आप अपने ID पर बैक आएंगे, उसके बाद आपको 6 नंबर पर यहाँ पे मस्टर रोल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मस्टर रोल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पर दिया है ई मस्टर रोल, जनरेट ई मस्टर रोल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ रहा होगा। उसके बाद एजेंसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, एजेंसी गांव होती है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपने गांव को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नीचे सिलेक्ट वर्क का एक ऑप्शन आएगा, जिस भी ID पर आपने एलोकेट किया है उस ID को आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहां पे इस ID पर किया था तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर जिस डेट से आपने डिमांड लगाई है उस डेट से और किस डेट तक आपने डिमांड को लगाई है उस डेट तक आपको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जेनिनेशन, तो यहाँ पे आपको टेक्निकल असिस्टेंट सिलेक्ट कर लेना है जो TA होते हैं। उसके बाद अपने TA को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन है आपके ग्राम पंचायत का। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका MR है वो जनरेट हो जाएगा। उसको बाद यहाँ पे सारे नाम और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किससे कितने दिन की लगी हुई है। उसके बाद 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे शेयर का और व्हाट्सअप सामने लोगो आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे लेटर की जगह पर आपको करना है सिलेक्ट ISO 3 को। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको प्रोटेट की जगह पर यहाँ पे लैंडस्केप कर लेना है। तो आप लैंडस्केप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद देख सकते हो। उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस मास्टर रोल को आपको अपना नाम दे देना है जो भी है और सेव कर लेना है।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।